हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ, इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज लाइफ में हो आप, या फिर कंपटीशन लाइफ में हो, है ना, सीजी टेट दे रहे हो, एमपी टेट दे रहे हो, या केबीएसपीआरटी दे रहे हो, या फिर एमपी टेट दे रहे हो, या फिर आप सी टेट दे रहे हों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के सीरीज में, ये दूसरा सीरीज है दोस्तों। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 9, 8, 9, 10, 11, 12 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ऐसा ही पूछा जाता है, ये पैटर्न ही रहता है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखिए हमारे पास 7 क्वेश्चन है ना, 7 को 7 मिनट में हमको सॉल्व करना है, और बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, माई मैड हैज डैश द फ्लोर वॉश वॉश्ड वॉशिंग, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि माई मैड मतलब मेरी नौकरानी क्या कर दी, आटा को, फ्लोर को धो दी, तो क्या हो जाएगा, देखिए माई मैड हैज, तो इसमें वॉश आएगा, वॉश्ड आएगा, वॉशिंग आएगा, कैसे पता चलेगा, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा, देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड, तो क्या हो जाएगा, माई मैड हैज वॉश्ड द फ्लोर। अब देखिए सेकेंड नंबर, देखिए बी डैश स्पीक द ट्रूथ कैन मे शुड, अब देखिए कैन मतलब क्या होता है, सकता, मे मतलब क्या होता है, शायद, हो सकता, शुड यानी चाहिए, तो बी शुड स्पीक द ट्रूथ, मतलब मुझे ये जम नहीं रहा है, अब क्या बी कैन, इसमें एबिलिटी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी कैन स्पीक द ट्रूथ, ये मॉडल का क्वेश्चन हो गया, क्या आ जाएगा, बी कैन स्पीक द ट्रूथ, मतलब मैं सत्य बोल सकता हूँ, ठीक, मतलब हम, सॉरी मैं नहीं होगा, हम होगा, बी का मतलब होता है हम, तो हम सत्य बोल सकते हैं। अब तीसरा नंबर देखिए, फ्रॉक्स आर जंपिंग डैश द रिवर, अब देखिए किसका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना, प्रीपोजिशन बताना है, तो फ्रॉक्स आर जंपिंग डैश द रिवर, अब बताइए जब कहीं पे जंप करेंगे तो उसमें क्या लगेगा दोस्तों, इनटू लगेगा, तो ये इसका हो जाएगा इनटू, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉक्स आर जंपिंग इनटू द रिवर, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, रीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास ए एंड द, अब ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, क्या है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल में क्या होता है दोस्तों, अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र हुआ हो तो उसमें द लगेगा हमेशा उसके पहले, तो देख लीजिए रीता इज द आ जाएगा, तो द, रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास, हमारे क्लास में रीता सबसे लंबी लड़की है, तो क्या हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, आप पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास। अब देखिए फोर्थ नंबर है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मॉर्निंग, है ना। अब इसमें ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सफरिंग फ्रॉम, अब यहाँ से देखिए हैज बीन सफरिंग, तो अभी कौन सा टेंस आ गया, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया इसमें। तो अब देखिए सिंस और फोर, तो सिंस किसके साथ लगता है, फोर किसके साथ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, और फोर लगता है ड्यूरेशन के साथ, तो यहाँ देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है हमारा, ड्यूरेशन है, तो सिंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, सिंस आ जाएगा, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम बताता है, जैसे 5 घंटे 3 घंटे तो फॉर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, सीन्स आ जाएगा। चलिए अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात किया, क्या किया, सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, इस, क्या आ जाएगा, इस, तो यहाँ भर देंगे, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए सेवंथ नंबर है, चिल्ड्रेन डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, अब ये टेंस का क्वेश्चन है, क्या हो गया, ये टेंस का क्वेश्चन है, तो अब देखिए चिल्ड्रेन फुटबॉल, अब
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा है दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखिए चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या नहीं आता, एस या एस नहीं आता, तो क्या हो जाएगा प्ले, तो मतलब हो जाएगा चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो पॉज करिए और वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में राइट करिए और इसको अच्छे से समझिए और इसको बार बार दोहराइए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।